रिबेट 87A की कैलकुलेशन को लेके 5 जुलाई 2024 के बाद में इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन ये चेंज आईटीआर 1 के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 5 जुलाई से पहले जो आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे थे और 5 जुलाई के बाद में जो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा रिलेटेड टू 87A को लेके। लेकिन आप अदर देन आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, चाहे वो आपके आईटीआर 2 हो, 3 हो या और कोई अन्य आईटीआर हो, उसमें आपको 87A से रिलेटेड चेंजेस दिखेंगे। 67 ऐसी इनकम है जिन पे स्पेशल टैक्स से आपको इनकम टैक्स देना होता है, जैसे कि 5%, 10%, 20%, 30%, और उसमें आपको कोई डिडक्शन भी आपको नहीं मिलती है, उसी को लेके ये चेंजेस हुआ है। अगर आईटीआर 2 की मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि आपकी सैलरी की इनकम 5 लाख रुपए है और एटीसीजी की इनकम 2 लाख है, टोटलिटी में ये इनकम 7 लाख रुपए आ रही है और 87A की रिबेट आपको पूरी पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन 5 जुलाई के बाद में आपको जो 87A की रिबेट है वो सैलरी वाली पे ही मिलेगी, एलटीसीजी की 2 लाख रुपए पे नहीं मिलेगी। रीजन बिंग क्योंकि वो 10% स्पेशल रेट से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर चलूं तो ये मेरा आईटीआर 1 का स्क्रीन है जहां पर हम लोग अपनी इनकम दिखाते हैं। अब आईटीआर 1 में हम क्या इनकम दिखा सकते हैं, सैलरी की इनकम। सैलरी की इनकम क्या होती है, टैक्स स्लैब से आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है। दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये आईटीआर 1 की बात कर रहे हैं। आईटीआर 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी जो आपकी टैक्स स्लैब होती है उससे आपको टैक्स पेमेंट करना होता है। तीसरी होती है अदर सोर्सेज की इनकम, जिसमें आपका इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी आपको टैक्स स्लैब से ही देनी पड़ती है, इनकी कोई स्पेशल नहीं होती है। तो मतलब आईटीआर 1 में आप जो जो इनकम दिखा रहे हो वो आपकी स्लैब रेट से ही आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 87A की रिबेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा जब आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो। लेकिन अगर हम आईटीआर 2 की बात करते हैं तो आईटीआर 2 के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, 67 ऐसी इनकम होती है जिसके अंदर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी और इंटरेस्ट की इनकम 6 लाख रुपए आ रही है और ये 67 में से कोई भी ऐसी इनकम है जो 1 लाख रुपए आ रही है, टोटल में 7 लाख रुपए ही है, लेकिन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि वो 67 में से कोई एक ऐसी इनकम है जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ता है। अब अगर हम 67 की बात करें तो उनमें से कुछ इनकम होती है जैसे कि LTCG ऑन अदर्स, जो लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, LTCG ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज विदाउट इंडेक्सेशन का बात हो रही है, 112A बोलता है LTGC ऑन शेयर ऑफ यूनिट्स विच STTs पेड, या फिर आपने विनिंग किया लॉटरी, पजल, रेस, गेम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि अगर 67 इनकम आती है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर ही नहीं सकते हैं। आईटीआर 1 कौन से केसेस में फाइल होती है, जहाँ पर आपकी स्लैब रेट से टैक्स दिया जा रहा है। अगर कोई भी ऐसी इनकम आपके यहाँ पर 26AS में AIS, TIS या आपने अर्न की है जो कि स्पेशल रेट से टैक्स की जा रही है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप आईटीआर 1 फाइल कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने कोई लॉटरी की इनकम हुई है, पजल, रेस, गेम, ऑनलाइन गेम से अगर कोई इनकम हुई है, इन सब केस में आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आप नॉन रेजिडेंट है, उससे डिविडेंड मिला है, ध्यान रखिए कि जो रेजिडेंट को डिविडेंड मिलता है वो स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होता है फ्रेंड्स, उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन 67 ऐसी इनकम है जो कि स्पेशल रेट से डिडक्ट होती है, अगर कोई भी एक इनकम आपके आ जाती है तो फिर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसलिए मैं अगर इसको कंक्लूड करूं, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं 87A की रिबेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, बट अगर आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो और उस आईटीआर 2 में भी अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम आती है तो उस पर 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। लेटेस्ट यूटिलिटी है, अब प्रोविजन क्या बोलता है, नोटिफिकेशन क्या बोलता है, अमेंडमेंट क्या बोलता है, उससे हमको कुछ नहीं मतलब। जो आज की पोजीशन है वो ये पोजीशन है जिसको मैंने वीडियो में क्लियरिफाई किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।